आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मधेपुरा जिला में पोखरिया गांव पे एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी के सिर काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी का कटा सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल पहुंचा और घर से 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रखकर फरार हो गया। कटे सिर के नीचे एक पर्ची भी रखी थी। मधेपुरा में आरोपी के घर में पत्नी और बेटी का धड़ पड़ा था, जबकि बेटी का कटा सिर टेबल पर रखा हुआ था। बताया जाता है कि पत्नी के अवैध संबंध के शक में आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के धड़ के साथ सेल्फी भी ली थी। इसके बाद उसने इस फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर भी किया। इसमें वो धड़ और सिर के साथ दिख रहा है। इसके बाद उसने पत्नी का सिर थैले में भरा और उसे ससुराल लेकर पहुंचा। शनिवार सुबह आरोपी पति महिला का कटा हुआ सर अपने घर से लेकर उसके मायके पहुंचा। महिला के मायके से 200 मीटर पहले एक पुलिया पर कटे सर को रखकर फरार हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सर देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का कटा हुआ सर लेकर उसके ससुराल पहुंची तो दंग रह गई। वहां बेटी की भी लाश मिली। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पति ट्रेन पकड़कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान मोहम्मद जिब्राहिल की पत्नी रुखसाना और उसकी बेटी जिया के रूप में हुई है। घटनास्थल से खून से सना एक लेटर मिला है, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। मामला मेरा भतीजी हुआ जो 10 दिन पहले हल्का फल्का ससुर दामाद में हुआ था, फिर विदागी लेकर चला गया शरद पोखरिया टोला। उसके बाद आज सुबह में उसका सर जो है ना मेरे घर के बगल में है पुला, उसी पर रखा हुआ था। तो सुबह हमको लेटरिंग वेटरिंग दिया तो वहाँ देखा, यहाँ हम लोग गए देखने के लिए तो वहाँ चीन पहचान गए। उसके बाद लेकर के भराही ओपी फोन किए और भराही ओपी श्रीनगर थाना फोन किया, इधर से थाना प्रभारी उधर श्रीनगर से भी आया तो वहाँ देखा उसका घर लड़की का उसका बच्चा का दोनों को उसी घरे में थे। अच्छा, घर कहाँ था, मुंडी कहाँ था? मुंडी जो है ना हमारा भतीजी का मेरे गांव में गुरहेला में था, मझौकरा में। और उसका घर और उसका नतनी जो लगेगी और उसका मुंडी उसके घरे में था पोखरिया। अच्छा, ये कब की घटना है? ये आज सुबह में। अच्छा, मतलब माँ और बच्ची दोनों का? माँ और बच्ची। ये घटना को कौन अंजाम दिया? जिब्राहिल नाम है लड़का का, अभी भी ऑडियो कर रहा है, वीडियो भेज रहा है। अच्छा, और उसका भाई है तीन चार गो, वीडियो मम्मी पकड़ा गया है, उसका एक भाई पकड़ा गया। क्या वीडियो क्या भेज रहा है? वीडियो ये भेज रहा है कि एक और मर्डर करेंगे, बाबुल का नाम ले रहा है, उसका सलाह है। अच्छा, एक और मर्डर करके हम सरेंडर कर देंगे। क्या नाम है उनका लड़का का? जिब्राहिल जो मर्डर किया। अच्छा, जिसका नाम ले रहा है बाबुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद इरशाद नाम है। घर? घर मछवाखरा। वार्ड नंबर? 9। देखिए, मेरे गांव का ये मृतक लड़की जो है, क्या नाम है इसका? मुर्शिदा परवीन। पिता का नाम कुदरे आलम है। सवेर में हम लोग सोच के लिए सुबह में निकले ना, तो कुछ आदमी के द्वारा देखा गया हल्ला हुआ, पुला पे मुंडी रखा हुआ है। हम लोग वहाँ पे गए तो पहचान किए, पहचान करने के बाद जानकारी हुआ जी कुदरे की लड़की है। उसके बाद हम लोग भर्राई ओपी को सूचना दिए, भर्राई ओपी आया, इसको पकड़ा। फिर इनके बाद यहाँ श्रीनगर को भी सूचना दिया गया, लड़की का जहाँ ससुराल था, लड़की का ससुराल है सरहद पोखरिया टोला, ठीक है, वहाँ भी सूचना दिया गया श्रीनगर थाने को, वो भी गया। और यहाँ से भी पटवारी गए और वहाँ पे भी लड़की का धर और एक बच्चा का मुड्डी कटा उनके घर में मिला, जो कि लाश को कब्जे में लिया गया श्रीनगर थाना ओपी अंतर्गत। और वहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, आप लोग देखिए रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मकसूद आलम। घर? समिति है, पूर्व पंचायत समिति। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।